हेलो नोवा, मेरी मैरिज 2014 में हुई थी, तो ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए थे हमारे मैरिज को। हमारी एक बीबी फर्स्ट चाइल्ड जो हमारी हुई थी 2017 में हुई थी, जो कि नॉर्मल तरीके से ही हुई थी, उसमें कोई भी इशू नहीं आया था। उसके बाद सेकेंड बेबी, फर्स्ट बेबी के साथ कुछ इश्यूज थे, तो हम लोगों ने सेकेंड बेबी को थोड़ा पोस्टपोन किया। लेकिन 2023 जुलाई ऑनवर्ड्स, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल, हम लोगों ने फिर सेकंड बेबी के लिए ट्राई किया। तो चूंकि फर्स्ट बेबी में कुछ हमें प्रॉब्लम नहीं था, तो वी डिड नॉट एंटिसिपेटेड एनी काइंड ऑफ कि हमें कोई दिक्कत आएगी। लेकिन जब हम लोग 3-4 महीने हुए हमको प्लान करते हुए, फिर जब नहीं हो रहा था तो फिर हम लोग को लगा कोई इशू है। उसके बाद हम लोग पूरे चेकअप वगैरह कराए, उस चेकअप में फिर इशूज, कुछ इशू हमें समझ में आया। फिर हमें पता लगा कि उन इश्यूज के साथ हम वी कैन नॉट कंसीव द नेचुरल प्रेगनेंसी। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने IVF के बारे में पता किया। चूंकि हम लोग देहरादून थे, तो बाहर से, लेकिन देहरादून में करंटली था मैं, तो यहाँ पे जो भी IVF सेंटर थे, एक दो और, मैं सब जगह गया, सब जगह इंटरेक्ट करके सबका समझा। उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया कि हम नोवा में ही कराएंगे अपना IVF, और ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था नोवा में। और फर्स्ट टाइम में ही, फर्स्ट टाइम में ही आज हमारा जो कि सक्सेसफुल हो गया है, कंसीव कर लिया है। तो जो है कि बहुत थैंकफुल है नोवा के और सोनालिका मैम बहुत अच्छी सोनालिका हैं, और अपना सर भी, और बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा स्टाफ है। वी आर टोटली सेटिस्फाइड विद द नोवा देहरादून। थैंक यू।